जब हर किसी के बीच एक ही सवाल था, कैसे इतनी खूबसूरत हो सकती है असल जिंदगी में भी वो एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्मों पर जादू चलाया, आखिर कितनी फुर्सत में ईश्वर ने उन्हें बनाया। आज हम बात कर रहे हैं उस एक्ट्रेस की जो 50 की एज में भी खूबसूरती की अपने आप में मिसाल है, पूरे विश्व भर में टॉप टैलेंटेड एक समय की सबसे मशहूर एक्ट्रेस रही, इंटरनेशनल कैट विंसलेट की हम बात कर रहे हैं, जिस कैट को रोज के नाम से जाना जाता रहा। आखिर रोज बनने का उनका सफर कितना अलग था, इस पर हम आपके बीच बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर स्पेशल प्रोग्राम। वेल, आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं सुपर डुपर इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर फिल्म टाइटैनिक की लीड एक्ट्रेस केट विंसलेट के बारे में। टाइटैनिक में जिस तरह से केट विंसलेट ने जबरदस्त एक्टिंग का लोहा मनवाया, लोग उन्हें आज भी भूल नहीं पाए। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस फिल्म में बतौर रोज नजर आने के बाद केट विंसलेट का सफर कितना अलग था। फिल्म में रातों रात सुपरस्टार बनने के बाद कैट को इस स्टारडम की वजह से, इस फिल्म से मिलने वाली पॉपुलैरिटी की वजह से आगे काफी कुछ सहना पड़ा, और आज उन्हें देखकर यकीनन आप भी पहचान नहीं पाएंगे कि फिल्मों में अलग और रियल लाइफ में वो कितनी बदली हुई हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में क्या कहना है खुद कैट का और कैसी है उनकी जिंदगी। देखिए रिपोर्ट। बात चाहे हॉलीवुड की करें या बॉलीवुड की, हर जगह केट विंसलेट के दीवाने तमाम हैं। आज उस केट विंसलेट के बारे में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे शायद आप आज तक अनजान होंगे। कई लोग ये नहीं जानते कि जिस सुपर डुपर हिट फिल्म टाइटैनिक से रातों रात पहचान बनी केट विंसलेट की, इस फिल्म के जरिए जिसे टाइटैनिक हीरोइन का नाम दिया गया, उस केट विंसलेट को इस फिल्म के बाद कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौर हो साल 1997 में जेम्स कैमरून ने निर्देशित किया टाइटैनिक नाम की एक फिल्म को, जो कि सच्ची कहानी पर आधारित बनाई गई। टाइटैनिक ने केट विंसलेट को ना सिर्फ दुनिया भर में पहचान दिलाई बल्कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई थी इस फिल्म के जरिए। उनकी खूबसूरती की बात करें उनके एक्टिंग की, इमोशंस की, या फिर इस फिल्म में उनके लव स्टोरी की, रियल लाइफ में भी केट विंसलेट की इस फिल्म के बाद काफ़ी चर्चा हुई। दीवाने उनके लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, क्योंकि केट विंसलेट को अपनी असल जिंदगी में इस फिल्म के बाद काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। इस पर अपने इंटरव्यू में केट विंसलेट ने कई बातें बताई थी। इस खूबसूरत हीरोइन की जिंदगी की कहानी भी बॉलीवुड की हीरोइनों की तरह रही। कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को आपने देखा होगा, पहली फिल्म से तो वो रातों रात सुपरस्टार बन गई, लेकिन पहली फिल्म के बाद दूसरे फिल्म के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। केट विंसलेट भी उन्हीं में से एक एक्ट्रेस है। टाइटैनिक की इस हीरोइन के बारे में कहा जाता है कि एक्टर इस फिल्म के लीड एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ जो इनका रोमांस था, इस फिल्म में जो इनके रोमांटिक अंदाज थे, इसकी चर्चा रियल लाइफ में भी जमकर हुए। रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे। खबरें आती थी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन लंबे समय तक ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। खैर, उनकी ज़िंदगी की बात हो रही है,
कैट विंसलेट के बारे में बात हो रही है तो आपको बता दें, एक्टर लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ जिनकी रोमांस और केमिस्ट्री की चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई, उस केट के बारे में कहा जाता है टाइटैनिक तो ब्लॉकबस्टर उनकी लव स्टोरी की वजह से भी हुई। इसके बाद उम्मीद थी कि केट विंसलेट की ऐसी तमाम बड़ी फिल्में आएगी जो कि ऐसी ही टाइटैनिक की तरह इतिहास रचेंगी, लेकिन क्या हुआ आगे चलिए बता दें। फिल्म ने रातों रात केट को सुपरस्टार बनाया और केट ने इसके बाद फेमस होने के लिए जो वो तैयार नहीं थी वो फिल्मों को लेकर काफ़ी गलतियां कर बैठी। खुलासा एक इंटरव्यू में केट विंसलेट ने किया ये बताकर कि WTF विद मार्क मोरेन नाम के पाक कास्ट शो पर अचानक से फेमस होने के बाद जिन्हें निजी जिंदगी पर पढ़ने के बारे में इसका असर पड़ने के बारे में सोचा ही नहीं था, उसके लिए तैयार नहीं थी। टाइटैनिक के आने के बाद सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में चली गई थी किट। उनकी रात और दिन जैसे गुजर रहे थे, अपने आप को लेकर वो जिस तरह से सोच रही थी, खुद पर काफ़ी ज़्यादा उन्हें शक होने लगा था। उनकी आलोचना हुई, ब्रिटिश प्रेस ने उनके बारे में कुछ गलत लिखा, क्रूर व्यवहार किया था उनके साथ, इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी। केट ने इस बारे में जानकारी दी, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बुली किया जाता था। मुझे याद है सोचती थी कि ये बेहद भयानक है, काश ये जल्द ख़त्म हो जाए। इस स्टारडम ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। इस स्टारडम की वजह से वो काफ़ी परेशान रही। उन्होंने कहा वो सब ठीक हो गया है, लेकिन उससे उन्हें समझ में तो सब आ गया, फेमस होना क्या होता है। फेमस होने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। उन्होंने कहा उन्हें फिर भी लगता था कि कई दूसरी हॉलीवुड जॉब्स को करने के लिए वो तैयार नहीं हैं। गलतियां करना नहीं चाहती थी वो नहीं चाहती थी कि वो फेल हो जाए। इस गेम में लंबे समय तक रहना चाहती थी वो। छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें इस कला को और भी ज़्यादा बेहतर समझने का तरीका मालूम हो, थोड़ी प्राइवेसी और प्रतिष्ठा बना सके वो, इस तरह की उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। फिल्मों को लेकर उनकी बहुत अलग राय थी। बताया जाता है कि टाइटैनिक को लेकर उनकी ये राय काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुकी थी। टाइटैनिक के बाद कई सुपरहिट फिल्मों का वो हिस्सा तो बनी, लेकिन 19वीं सदी की कहानी पर पीरियड ड्रामा फिल्म एमोनिटी में जब उन्हें देखा गया, असल जिंदगी के जीवन श्याम विज्ञानी पैलेंटोलॉजिस्ट मैरी एनिंग के बारे में कहानी जो थी, अपनी छोटी सी उम्र की महिला से मोहब्बत करने लगी थी, इसमें जो इस कहानी को पेश किया गया, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई। लेकिन धीरे ही धीरे टाइटैनिक की इस एक्ट्रेस की ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। इस फिल्म के बाद उनकी चर्चा बहुत कम होती थी। आज भी इतनी फिल्में करने के बाद, इतना काम करने के बाद, उन्हें सिर्फ टाइटैनिक फिल्म की हीरोइन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरी सहमी भी रही हैं। बता दें हम आपको इसी के साथ साथ कि कैट वाकई में अपनी खूबसूरती की वजह से भी काफ़ी तारीफ़ों में रही, लेकिन रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ कैट और लियोनार्डो एक दूसरे के साथ जो हैं अपने रिश्ते को लेकर भी काफ़ी विवादों से घिरे रहे। उन्होंने कभी भी एक दूसरे को लेकर ये नहीं कहा कि उनका क्रश था एक दूसरे पर। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे पर कभी भी क्रश नहीं था। और इसी के साथ साथ आपको शायद ही मालूम हो कैट के बारे में, उनकी रियल लाइफ के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। कैट आज भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बुढ़ापे की इस उम्र में खुद को मेंटेन करने वाली कैट बड़ी फिल्में लेकर नहीं आ पा रही। 5 अक्टूबर को साल 1975 में उनका जन्म रेडिंग में हुआ था।
उनके 3 बच्चे हैं, 3 बार उनकी शादी हुई। नेड रॉक एंड रोल से शादी साल 2012 में, साल 2003 में सैम मैडन्स के साथ उनकी शादी हुई थी जो साल 2011 तक टिकी थी। इससे पहले जिम थ्रिपलैंड से साल 1998 में उनकी शादी हुई जो 3 साल चली, साल 2001 तक। खैर आज वो अपने ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन हाँ उनकी आने वाली फिल्में अवतार 2, अवतार 3, द फ्रेंच डिस्पैच, अवतार 4, इन सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही हैं। पीटर जैक्सन की हैवलिनी क्रिएचर्स से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बहुत छोटी उम्र में की। एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ वो सिंगर भी हैं, जिन्हें टाइटेनिक साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म टाइटेनिक के अलावा द रीडर, एमिनेट और रिवोल्यूशनरी रोड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल तो जाना आपने फिल्म टाइटेनिक की लीड हीरोइन कैट विंसलेट के बारे में। अब इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ऐसी ही तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए, फिल्मों की दिलचस्प कहानियों के लिए, सितारों की जिंदगी के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। और अपनी राय हमारे चैनल के इस खास प्रोग्राम के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। तब तक के लिए लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।